नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विनी पांडे, स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। नव हाल ही में पाकिस्तान और चाइना एक नए प्रोजेक्ट के लिए राजी हो गए हैं, जिसमें क्या होगा कि चाइना लगभग में 4.8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करेगा पाकिस्तान में एक न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाने के लिए, जो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मियांवाली जिले में बनाया जाएगा और इसका नाम होगा चश्मा 5। इससे पहले 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट ऑलरेडी पाकिस्तान में बनाए जा चुके हैं, जबकि चाइना जो है वो एनएसजी का सदस्य देश है और जो एनएसजी के सदस्य देश होते हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो नॉन एनएसजी सदस्य देशों को इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं देंगे, यानी न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप जो हैं वो नॉन न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप को कभी भी ये टेक्नोलॉजी नहीं देंगे। है क्या कि इंडिया भी इसका सदस्य देश नहीं, इस वजह से हमेशा चीन ये कहता है कि जी इंडिया भी तो सदस्य देश नहीं है, उसके वहां भी तो पावर प्लांट है, अमेरिका ने दिए हुए हैं, इतना सपोर्ट किया, उतना सपोर्ट किया, इस सब तरह की बातें बोलता है कि इंडिया में जो न्यूक्लियर पावर प्लांट चल रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, उसमें भी तो अमेरिका ने सपोर्ट किया था, तो ऐसे में हम सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान का, तो इसमें बुरी बात क्या है? अब मैं आपको समझाता हूँ इसमें बुरी बात क्या है। बुरी बात इसमें यह है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर सुरक्षित ने उनको गोली मारी जाती है, पूरे पाकिस्तान में लोग सड़कों पे आते हैं, पाकिस्तान का जो आर्मी हेडक्वार्टर होता है उसको अटैक किया जाता है, पाकिस्तान के एयरफोर्स का जो एयरबेस है उसकी दीवारें गिरा दी जाती हैं, वहां पे लगे हुए बहुत सारे मैन्यूमेंट को तोड़ दिया जाता है। ऐसे देश से क्या उम्मीद की जा सकती है कि वहां पे जो न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया जा रहा है उसकी कोई बिजली नहीं कल को काट देगा, या क्या कोई इस तरह से गतिविधि नहीं करेगा कि वो कल को एक्सप्लोज कर जाए? क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट और न्यूक्लियर बम में बस इतना ही फर्क है कि जब तक वो आपके कंट्रोल में है तब तक वो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, और जब वो आपके कंट्रोल से बाहर चला गया तो वो एक न्यूक्लियर बम है। और ये इंडिया के बॉर्डर से 325 किलोमीटर दूरी पे बनाया जाएगा। जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादी ग्रुप एक्टिव हैं, कुछ नहीं कहा जा सकता है कि कल को क्या भी हो जाए, कोई आके एक बम मार देगा और कुछ भी वहां पे हो गया और रेडिएशन फैल गया तो पाकिस्तान के लोग तो जाएंगे और इंक्लूडिंग इंडिया के जो पंजाब प्रोविंस है यहां तक भी रेडिएशन बहुत आराम से पहुंच जाएगा, क्योंकि ये 1200 मेगावाट का परमाणु बिजली प्लांट बनाया जा रहा है और इसमें लगभग में चाइना 4.8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करेगा। चाइना का जो इनिशिएटिव था चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, उसके हिसाब से 65 अरब डॉलर का निवेश करने को कहा था चाइना ने पाकिस्तान में। अब इसमें एक बात यह भी हुआ है कि 10 करोड़ डॉलर का डिस्काउंट भी दिया है चाइना ने पाकिस्तान को इस पावर प्लांट के लिए। इसके लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बहुत ज्यादा धन्यवाद भी दे रहे थे सी जिनपिंग को। लेकिन अल्टीमेटली बात वहीं पे आ जाती है कि ये क्या सुरक्षित है पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में जब आर्मी बेस नहीं सुरक्षित है, आर्मी का हेडक्वार्टर नहीं सुरक्षित है, तो ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सुरक्षित है? वहाँ पे जो TTP है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, वो बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं चाइनीज वर्कर्स को, और TTP तो पाकिस्तानी रिजीम को ही नहीं पसंद करती है। ऐसे में क्या कल को वो किसी भी प्रकार से अटैक वगैरह कर दिया और उन्होंने रेडिएशन फैला दिया, जैसे कि ज़ापोरिज़्या में हो रहा था, अगर उस टाइम पे रेडिएशन फैल जाता तो पूरा यूरोप जा सकता था, जब रसिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में वहाँ की लाइट कट गई थी, तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम है। और देखो, ये प्रॉब्लम सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, ऐसे सिचुएशन में इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम बन जाएगी, रेडिएशन इंडिया तक आसानी से पहुंच जाएगा। और दूसरी बात क्या है कि चाइना ने और एक बहुत ही घटिया काम किया है। हाल ही में क्या हुआ था कि भारत ने एक प्रस्ताव दिया था यूनाइटेड नेशन में कि जो साजिद मीर है उसे यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड लिस्ट में शामिल कर दिया जाए और वैश्विक आतंकी घोषित कर दिया जाए, लेकिन चाइना ने उस पर टेक्निकल होल्ड लगा दिया, बोला कि नहीं, हमें नहीं पता है कि वो एक्चुअल में आतंकवादी है भी या नहीं, जबकि ये व्यक्ति मास्टरमाइंड था मुंबई हमले में। अब चाइना को तभी बिलीव होगा जब वो एक बार जाके और बीजिंग में बम फोड़ेगा, तब उनको लगेगा हाँ ये सच में आतंकवादी था, मुझसे मिस्टेक हो गई, अदरवाइज उसको बिलीव ही नहीं होता। जब भी भारत ऐसे किसी आतंकवादी को यूनाइटेड नेशन के डेजिग्नेटेड लिस्ट में डालना चाहता है तो कहता है कि जी हमें पता ही नहीं है, तो टेक्निकल होल्ड लगा देता है। हालांकि पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है और पाकिस्तान की हेल्प हो कोई दिक्कत नहीं है, बट वो जो जिस तरह से आतंकवादियों को पाल के रखा है, कल को कुछ भी हो गया न्यूक्लियर पावर प्लांट में, तो वो सिर्फ उसके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। इस वजह से ये ज़्यादा कंसर्न वाला मुद्दा, अदरवाइज पाकिस्तान क्या करे क्या ना करे हमसे कोई मतलब है नहीं, जब तक हमारा नुकसान होना कर रहा हो, हमारा नुकसान करेगा फिर तो प्रॉब्लम है ही है, फिर उसको भी प्रॉब्लम होगी।